नमस्कार ट्विन सिटी रो किछ गुरुत्वपूर्ण खबर सहित बारबाटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत कुछ मिचिन में प्रथमे हेडलाइंस खोलिला मैट्रिक फेल नकली डाक्तरों को गुमर कटक बड़म्बारे लाइफ स्पान नारे थिला क्लिनिक कॉलेज माटी मारी नथिबा नकली डाक्तरों को थिला 18 स्त्री लाइन रे थिले अनेक विवाह पई करथिले डेट फिक्स फॉर्म नंबर 11 को नहीं बढ़िला विवाद निज भूल मानिले राज्य निर्वाचन कमिशन नियम अनुजाई पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर हिसाब देबे प्रिजाइडिंग ऑफिसर निर्वाचन कमिशन को निर्देश नाही कहे फॉर्म दे नथिले प्रिजाइडिंग ऑफिसर पुलिस बाबू त्रिनाथ मिश्रों विरोध में अभियोग लंबा भर्त दादा बटी ठार आरंभ कर गोरु चालाण खोलुची साम्राज्य पेड़ी अभियोग मिछ केस्रे फसाइबा को धमक दे नेउथिले टंका सेपटे गिरफ्तारी को एड़ाइबा को हाईकोर्ट रे त्रिनाथ पत्नी को आगुआ जमीन आवेदन ममिता हत्या घटना नहीं डीजीपी को भेटिले जातीय महिला कमिशन अध्यक्षा रेखा शर्मा तदंत और चार्जशीट नहीं डीजीपी पाखरे नहीं सूचना ओडिशा पुलिस तदंत उपरे नहीं भरोसा घटना रे सीबीआई तदंत दाबी लिफ्ट आलोरे निशा दे लूट घटना दुई अभियुक्तों को गिरफ्त कला पुलिस कटक पुरी और जाजपुर में अभियुक्तों नारे एकाधिक मामला निशा टैबलेट सह मोबाइल और सुना गहना जबत से थे और भल भाव विदाउट एनी अंटुवर्ड इंसिडेंट और विदाउट एनी वायलेंस आमे सेटा को करी पारिबू आमे स्ट्रांग सिग्नल जो लोक माने काली की गंडगोल करी दिया जाउची कि सेटा टॉलरेट करा जेबो नै और जो रिमेनिंग फोर्टा फेज अछि ताके पई आमे जगे के रही छु भलो भाव रे जो पुलिस रो जो पेट्रोलिंग अछि और जो डिप्लॉयमेंट अछि सेठा पूरा पूरी करा जाउ छी सर थैंक यू सर कंप्लेन हो छी पुलिस सर सर तो सुनुथिले जे हिंसा को बर्दाश्त करा जेबनी बोली वर्तमान डीसीपी कर सूचना आस्थिला जे आसीबा संपूर्ण खबर को केवल ना असली किंतु बाकी सब नकली मैट्रिक फेल किंतु निज को डाक्तर परिचय नहीं खोली एकाधिक क्लिनिक रोचक कथा है डाक्तरी डिग्री कथा कही 18 जन को विवाह करथिले नकली डाक्तर रमेश चंद्र स्वाई आज भुवनेश्वर पात्रपड़ारे थिबा घरे चढ़ाऊ बेले मिलिथिबा नकली कागजपत्र जांच चली खोलिला मैट्रिक फेल नकली डाक्तरंक गुमर कटक ओ बड़म्बारे लाइफ स्पान नारे थिला क्लिनिक कॉलेज माटी माड़ी नथिबा नकली डाक्तरंकर 18 स्त्री लाइन रे थिले आहुरी अनेक विवाह पई करथिले डेट फिक्स रमेश को ठकामी विषय रे जानिबा परे बेहोश होई मेडिकल रे भर्ती होईछंती नुवा करी बाहा होईतिबा तांकर गुवाहाटी पत्नी कटक ओ बड़म्बारे लाइफ स्पान चेन नामक क्लिनिक करथिले रमेश बड़म्बारे 15 जन महिला को दरमान दे ठकिथिबा अभियोग आसी रमेश को नारे यास कटक रे किछि डाक्तर को दरमान रे फॉल्स चेक दे ठकिछंती आहुरी मध्य कटक रे जड़े डाक्तर को पुंक ठारु लखनऊ रे मेडिकल कॉलेज रे एडमिशन करबा को कहि 60,000 टंका ठकिथिबा अभियोग होईछि एजाय रमेश को नारे मात्र दुईटी मामलार तदंत चलीछि अन्य महिला को जोगाजोग कर आज रमेश को रिमांड आनी पारे पुलिस रिमांड आज प्रेयर कराई जो आम स्पेशल टीम गठन कराई जो थे कि महिला थाना और आंटी फ्रॉड सेल ऑफिसर व्यतीत प्रोफेशनल काउंसलर अच्छा विभिन्न महिला को आम संपर्क कॉन्टैक्ट काउंसलिंग करी समय भितर आउ दुईटी तथ्य जना पड़ा गोटे लाइफ स्पान चेन ऑफ क्लिनिक रही बड़म्बा नरसिंहपुर जो क्लिनिक करते पाखापाखि 15 जन महिला सी निजक मिछ डॉक्टर परिचय दे अपॉइंटमेंट देते से दरमा दे फ्रॉड करते डाउट आसला कि जो टाइप ट्रीटमेंट हवा कथा जड़े जो आईसीएमसीआर डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल तो से ही क्वालिफाइड होता कि कथबार्तार से टाइप जिनस मानने मु लक्ष्य कर पारे तेणु मोर सन्देह आसला ग्रेजुअली से सन्देह आसला आम से ये रही अलरेडी तो आम पैसा फसिक रही तेणु से समय केमी आम पैसाटा बाहरी जीव आम से मैटर रही कि समस्त ठकिकिना चून लगे फेरार हो
ସେ ଇଏ ନଥିଲା ସେଠୁ ଫେରାର ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି କଲା ଏଠି ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ସେଇ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିକି ରହିଲା କିଛି ଦିନ ଏଠି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଠକିଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଥିବା ରମେଶଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଯାହାର ଛାନଭିନ୍ ଚାଲିଛି। ରମେଶ ତିନି ମାସ ତଳେ ଏହି ଘରଟିକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିଲେ। ରମେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଘର ମାଲିକ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଜଣେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ବୋଲି କହିକି ସେ ଘରଟା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହିବେ ବୋଲି ଏ ଘରେ। ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ତା ଡିଟେଲ୍ ତା ଫଟୋ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ରମେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରମେଶ କୁମାର ନାଁରେ ଘର ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରମେଶ କୁମାର ନାଁରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋର୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ବନେଇକି ସେଠି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ କେସ୍ଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି କ'ଣ ଏଇ ଅନୁରାମ ଥାନାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ମିଡ଼ିଆରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ଠକ ତଥା ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗୁବର। କେଉଁଠି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଭରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫର୍ମ ନମ୍ବର 11କୁ ନେଇ ଉଠିଲା ବିବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳକୁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି ଫର୍ମ ନମ୍ବର 11। ନିୟମ ପାଳନ ହୋଇନି ବୋଲି ମାନିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ 11 ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ଏହା ଇଚ୍ଛାକୃତ ନା ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ସେ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ମାନିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଫର୍ମ ନମ୍ବର 11କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବାଲଟ୍ ପେପରର ହିସାବ ଦେବେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ଫର୍ମ ନମ୍ବର 11ରେ କେତେ ବାଲଟ୍ ପେପର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ତାହାର ହିସାବ ମତଦାନ ଶେଷ ହେଲେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଦେବା କଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଥରେ କେତେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଓ କେତେ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ 70-80% ସ୍ଥାନରେ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ କହି ଫର୍ମ ନମ୍ବର 11 ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ 11 ଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ହିସାବ ଦିଆଯାଏ, କେତେ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କେତେ ବ୍ୟାଲଟ ୟୁଜ୍ ହେଲା, କେତେ ମେଲ୍ କେତେ ଫିମେଲ୍, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଏବଂ ଆଇନରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 70-80% ଜାଗାରେ କମିଶନର ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କହିକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କମିଶନ ନଜରକୁ ଆଣିଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ କିପରି ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 11 ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚିବ। ଫର୍ମ ନମ୍ବର 11 ଜେରକ୍ସ କପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିୟମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ବେଳେ ଫର୍ମ 11 ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? କମିଶନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେ 11 ସିଏ ନା ଫର୍ମ 11 କମିଶନ ଅଲରେଡି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଆର ଯେତେ ଅଛି ଫର୍ମ 11 ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆଇଦର ଜେରକ୍ସ କପି କରି ହେଉ କିମ୍ବା ହାତ ଲେଖା ହେଉ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସାରିଲେଣି। ତେବେ ବାକି ଥିବା ଆଉ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 11 ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗିରଫ ହେଲେ କୋଟିପତି ଡାକ୍ତର। କୋଟିପତି ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗତକାଲି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ଖାନତଲାସୀ। ରେଡ୍ ବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଆଖି ଖୁସି ଦେବା ଭଳି ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଥିଲା 1,13,00,000 ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳାରାହାଙ୍ଗସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏହି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏତେ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏଯାଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ କେତେ FD ଅଛି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ SP। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲୁ କି ସିସରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପଇସା ନେଉଛି ବୋଲି, ତ ଆମେ ଟ୍ରାପ୍ କଲୁ,
पैसा भी रिकवरी हला राइट हैंडेड धरलु तापरे सो कंसिक्वेंटली तर घर सर्च टाइम रे हमको एते पैसा बाहर ला अराउंड 1 crore 13 lakhs पैसा बाहर ला एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ताकर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स टा से अराउंड 44 lakhs इंश्योरेंस प्रीमियम पे करिसेंती इन्वेस्टमेंट करिसेंती तीनटा प्लॉट अच्छी इंक्लूडिंग से जो इंडिपेंडेंट घर से रहूची और गोटे स्टूडियो अपार्टमेंट अच्छी पूरी बाकी सब हमें वेरीफाई करूची डीए डिस्प्रोपोर्शनेट असेट भी तानारे हबो से सब डीए केस रे वेरीफाई हबो बट प्राइमा फेसे ता से किछि एक्सप्लेन करि पारु नाही केमिति एते पैसा आसला ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन पुलिस कम्युनिकेशन विभाग अतिरिक्त एसपी त्रिनाथ मिश्र गिरफ होगा विरोध में एवं गोटे पर गोटे दुर्नीति अभियोग आसवर लगी त्रिनाथ को जुलम्र शिकार होता व्यक्ति निज प्रक्रिया देवा आरंभ कर एक मिछ मामलें छंदा धमक दे त्रिनाथ मिश्र जड़े व्यक्ति तीस हजार टंका नहीं अभियोग कर बाबद खबर देखा कि ब्रेक परे स्वागत पुलिस कम्युनिकेशन विभाग अतिरिक्त एसपी त्रिनाथ मिश्र गिरफ होगा विरोध में एवं गोटे पर गोटे दुर्नीति अभियोग आसवे लगी त्रिनाथ को जुलम्र शिकार होता व्यक्ति निज प्रतिक्रिया देवा आरंभ कर एक मिछ मामलें छंदा धमक दे त्रिनाथ मिश्र जड़े व्यक्ति तीस हजार टंका नहीं अभियोग कर जड़े कटक बासिंदा सेपटे निजर गिरफदारी को एड़ाई हाइकोर्टे आगुआ जमिन आवेदन करते त्रिनाथ को पत्नी दीप्तिमय मिश्र पुलिस बाबू कला साम्राज्य कुमर गोरु गाड़ी पास टंका मिछ केस रे फसाइबा को धमक दे लांच नेउथिले पुलिस कम्युनिकेशन विभाग अतिरिक्त एसपी त्रिनाथ मिश्र गिरफ होगा पर विरोध में गोटे पर गोटे दुर्नीतिर बेड़ी खोलिबार लगी 2017 मसीह जोन एक तत्कालीन एसपी थिबा समय कटक चाउलियागंज जने युवक को घसीपुरार एक मामलें पुलिस उठाई नहीं घसीपुरा थाना उक्त युवक को चिन्हा पर मामलें युवक कौन संप्रति ना छाड़ी पर युवक को तत्कालीन एसपी त्रिनाथ मिश्र फोन कर 30,000 टंका मांगी टंका नदे सान भाई को मिछ केस फसाई देवा धमक देते एसपी अभियोग हठात मो सान भाईटा को गोटे थाना उठे तो थाना जो उठे तो सेत कौन होता ना सी अलग थाना पुणी ट्रांसफर करदे तीन जन आक्यूज थे मो सान भाई की मिसेकना अलग थाना गोटे इनभेस्टिगेशन अफिसर टीम गोटे आसते सी इनभेस्टिगेशन करना दुई जन को सांगे नहींकना पलैते मो सान भाई टी से थाना छाड़ी तापर मुझ थाना अधिकारी सहित देखा कली मुझे सी सार जो आसते इनभेस्टिगेशन सहित मुझे कथी से कहे ना तुम सान भाई इनवल्व आधे ना तुम्हें थाना कहीकिना तुम भाई की नहीं पार तो मुझे जो पचारि से कहे ना एसीपी सार बिना आम छाड़ पारून आप एसीपी सार तापर किस समय पर एसीपी सार फोन टी आसला तो से डायरेक्ट मत कहते जो मत 30,000 टाँग आणकना अमक जगह पहुँचे दि ना जी तुम पैसा नदब तेल मुझे भितर करदेवि तो लाइफ टा बेकार करदेवि बाध्यना पैसा दे कि 30,000 टाँग दी जेल रो अन्य कैदी तथा अपराधी मानक ठारु दूर रे रखिबाकु चाहि तांको चौदवार जेल रो 5 नंबर सेल रे भर्ती करा जाय छि एहरि भितरे विजिलेंस गिरफ्तारी को एडाइबा पई त्रिनाथ मिश्रक पत्नी हाईकोर्ट रे आगुआ जमीन आवेदन करितबा मध्ये जणा पड़ी छि अपर पक्षे त्रिनाथक स्वास्थ्यगत समस्या दर्शाई तांको घर खाइबा प्रदान करबा लागि अनुमति प्रार्थना करी हाईकोर्ट रे एक पिटीशन दाखल करिछन्ति त्रिनाथक वकील तांको हेल्थ कंडीशन डिटोरेट होता कथा मत आज जना जापेक्षी एवं आउ गोटे कथा जोड़ी दि हाज आलाइनमेंट अच्छी डायबिटीज मेलेटस अच्छी स्लीप आपनिया अच्छी सो ये सब कॉम्प्लिकेशन भितर जो जगह रखा निश्चित भाव जीवन प्रति विपद सृष्टि कथा आम नजर को आसी सो ये कथा को आम कोर्टे उपस्थापन करूँ एवं आईन अनुजाई आमे आ उपरे व्यवस्था ग्रहण करी दादा बटी टू आरंभ करी को चलन सबु पछरे त्रिनाथ मिश्रन को लिंक गिरफ्तारी परे सामना को आसी छि गोटिए परे गोटिए सत कटक रु वीडियो जर्नलिस्ट सुब्रत को सह विश्वजीत दासन रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।
ममिता मेहर हत्या घटना रे सीबीआई तदंत दाबी कले जातीय महिला कमिशन अध्यक्षा रेखा शर्मा तदंत नै आज डीजीपी को भेटिथिले रेखा शर्मा ममिता मेहर हत्या घटना रे डीजी को कार्यालय रे कोनोसी सूचना नाही तदंत ओ चार्जशीट संबंध रे डीजी को पाखरे कोनोसी सूचना नाही पुनर्बार ए घटना रे मंत्री को पचरा उचरा करी चार्जशीट रे ना दाखल करिवार आवश्यकता रहिछि ओडिसा पुलिस तदंत उपरे भरोसा नाही घटनार सीबीआई तदंत करिबा निहाती आवश्यकता रहिछि केस को तर्जमा करिवार आवश्यकता रहिछि राज्य महिला कमिशन अध्यक्ष मीनती बेहरा प्रतिक्रिया रखिछन्ति। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन मैं सोचती हूं कि मे बी प्रिवेल करे मेरी बात को लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि होम मिनिस्टर के अंडर ही पुलिस आती है ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं स्टेट से फिर से दोबारा से आपके थ्रू ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बेटर हो तो स्टेट ही खुद सीबीआई को दे दे। अच्छा देखो ममिता मेहर प्रसंग ऑलरेडी चार्जशीट सरी एसपी आमको रिपोर्ट दे सारी ए मैटर सब्जेक्ट अच्छी घरोई विद्यालय रे पछुआ वर्गर शिशुं पाई रही 25% संरक्षण व्यवस्था तेबे एहाकु कार्यकारी करबा पाई राज्य शिशु सुरक्षा आयोग चिट्ठी लिखिछन्ते घरोई स्कूल रे पाठ पढ़िबा पाई चाहुथिले आरटीआई पोर्टल रे पिलांकर पंजीकरण कराजिबा आवश्यक लोकंक सचेतन करबा पाई विभिन्न संस्था को दायित्व दियाजिबो डीओ ओ घरोई स्कूल रो अध्यक्ष तांको सह जोगाजोग करी अभिभावक मानकु सचेतन करिवे जहाँ किसी आमको गवर्नमेंट दौटी आर टी जी कोटा आम समस्त दे सारी जी परसेंटेज जहाँ जो सुलभ शौचालय दाबीरे बीएमसी कार्यालय घेराव राजधानी तथा स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर मुखशाला पलाशुणीठारे राज्यर विभिन्न स्थानकु जाउथिबा बसर रहणीस्थल रहिछि अनेक गुडिय मार्केट कम्प्लेक्स मध्य रहिछि या व्यतीत एठारे सप्ताहकु दुइथर साप्ताहिक बड परिबा हाट मध्य बसिथाय हेले विडम्बनार विषय शौचालय पय अनेक दिनरु दाबी होय आसुथिले मध्य बीएमसी कर्णपात करुनाही फळरे लोके नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेबा सहित परिवेश मध्य दूषित होउछि। आज बीएमसी कार्यालय आगरे स्थानीय बासिंदा प्लाकार्ड धरि आंदोलन करिछन्ति एथर दाबी पूर्ण नहले आगामी दिनरे राजरास्तारे आंदोलन करिवे बोली चेतावनी देछन्ते। भुवनेश्वर में सुलभ शौचालय ना पलाशुणी छकु आम आसू जो स्मार्ट सिटी प्रारंभ बिंदु हूँ भुवनेश्वर पलाशुणी छक आपण से देखुवे शह शह लोक से सब यात्रा करती समस्त जन कई किसी शुणिले लास्ट को बाध्य होटी आंदोलन करुँ शांतिपूर्ण जदि ये कथा न शुणे तो आम राजा रास्तार आम ओल्लू गोटे शौचालय लज्जाजनक कथा राजधानी शौचालय गोटे ना पलाशुणी जो लोकों हजार हजार कम्युनिकेशन से गोटे शौचालय ना राजधानी भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी किंतु एमती लज्जाजनक कथा कि नहीं रास्तार शौचालय ना जो स्त्रीलोक मैंने बस ओल्लैबे कि जो मैंने जावासवा करते हैं कि जी भी माँ भौणी कि आने मैंने भी समस्त सर्वसाधारण मानी निहाती दरकार कि कहवापी पड़ू तो आम शांतिपूर्ण भाव में यहाँ जनाऊ आम दाबीटा को आम जनाऊु जदि तापर पूरण न कराला आम मैंने राजरास्ता को ओल्लबू विक्षोभ करूँ दरकार यापाई आमरण अनशन करूँ। लिफ्ट आलरे निशा दे लूट घटना एही मामलारे पुलिस दुई अभियुक्त देवेंद्र परेडा एवं बुधिराम स्वाई को गिरफ्त करिछि। कटकरे समान धरणर अपराध करि 2 लाख टंका एवं सुना गहना लुटि नैथिले। जीआरपी कटक पुरी एवं जाजपुर रे मानक नारे रहिछि एकाधिक मामला। एही अपराधीक फोटो सतर्क सूचना सह समस्त बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड और रेलवे स्टेशन रे लगा जिवो। एमानक थारु गोटी कार 14 निशा बटिकार स्ट्रिप 4 मोबाइल 40 ग्राम सुना गोटे बाइक सह 5000 नगद टंका जबत होई निशा औषध बिक्री करथिबा दुकानी को नोटिस दे छाड़ी पुलिस। बिना प्रेस्क्रिप्शन रे निशा औषध न देबाकू समस्त मेडिसिन दुकानी को अपील करिछंती डीसीपी। कटक सहरर भाईचारा केवल कथार नुहे बरं ताहाकु करिकि देखाइछंती कटकवासी। एहा आमे कहुनु आपण एही खबर देखिले निजे मध्य कहिबे। कटक सहरर सुताहात अंचल रे मुस्लिम संप्रदायर लोके मिसिकी पालन करंती अग्नि पूर्णिमा। हिंदू मुस्लिम धर्मावलंबी लोक एकजुट होई पूजापाठ करबा सह हिंदू रीतिनीति अनुजाई एही पर्व को पालन करंती आ समाज को दियंती कटक भाईचारार बड़ संदेश। एठी मुसलमान संप्रदायर लोके चांदा दियंती पूजारे अंशग्रहण करती एकजुट हो पालन करती अग्नि पूर्णिमा आउ समाज को दियंती भाईचारार नियारा संदेश।
ଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ମାଘ ସପ୍ତମୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଜାଳି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଅଗି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜକ ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘଣ୍ଟ ବଜାଇଲେ, ଭୋଗ ଥାଳି ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ ହୁଏ ଏହି ପର୍ବ। ଏ ପୂଜାଟା ମୋର ନାହିଁ, ଏ ମୋ ମୁସଲିମ ଭାଇର ସବୁ ପୂଜା ଏଇଟା। କେବଳ ମୁଁ କାଠ ଚାନ୍ଦା କରିକି ମୁସଲିମ ଭାଇଠୁ ପଇସା ନିଏ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ଭାଇ ମୋତେ ଖୁସିରେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ ମୁଁ କାଠ ଆଣେ, ସବୁ କିଛି ଆଣିକି ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଆଣିକି ମୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆ ଦେହରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମିଶିକି କରନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଏଇଟା ପିଲେଟି ବେଳୁ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ଯେମିତି ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି କିଏ କହିବନି ଯେ ଏଇଟା ଆମର, ଏଇଟା ଆମ ପର୍ବ, ସେଇଟା ତୁମ ପର୍ବ, ଏମିତି ନୁହଁ। ସବୁ ମିଶିକି ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ ଏଠି କରାଯାଏ। ଆମର ସୂତାହାଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି ବହୁତ ଆଗୁ ପିଢ଼ି। ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ପରମ୍ପରା। ସୂତାହାଟ କଟକ ସହରର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସହର, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବସବାସ କରିବା ସହ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ଦଶହରା ହେଉ କି ଇଦ୍, ବଡ଼ଦିନ ହେଉ କି ପୋଙ୍ଗଲ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଭରପୁର କଟକ ସହର ନିଜ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ବି ହେଲୁ, ଘର ମୁରବୀମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସୁଥିଲୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରନ୍ତି। ତେଣୁକି ମୁସଲିମର ହଉ କି ହିନ୍ଦୁର ହଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ହଉ, ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ନୁ ଆମ ବାପା ଦାଦା ଅମଳରୁ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଆମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ୟାଙ୍କୁ, ରବି ବାବୁ, ସେ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ସାହିରେ ବୁଲି ମୁସଲିମ ଫୁସଲିମ ସେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଚାନ୍ଦା କରିକି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଛକ ଉପରେ, ଆମର ଆଜି ତାଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସହ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।